इसके बाद इसके अलावा इन्होंने जिस तरह से रेप की घटनाओं के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम जोड़ दिए, आपके पास क्या सबूत है कि किस नेता ने रेप किया नहीं किया, ये सारा मामला कोर्ट में है, तो इस तरह की बचकानी बातें मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अरे आप बात सुनिए ना, आप बात क्यों नहीं सुनती, आप इतना अधेरे क्यों, आप आपकी बातों को मैंने सुना है ना, तो सुन ली, आप प्रवक्ताओं पर झूठ बोल रहे हैं। रितु जी एक काम करिए, जिन पॉइंट्स पर आपको आपत्ति है वो पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। अब जब आपका वक्त आएगा बोलिएगा, एक बार प्रमोद पूरा कर लें दीजिए प्लीज। नहीं ये देखिए, ये बात ही सुनना नहीं चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ अगर किसी के ऊपर में कोई आरोप है तो उसको तय कौन करेगा, उसको तय न्यायालय करेंगे। आप और हम बैठ के आप टीवी चैनल में तो नहीं कर सकते। हाँ, टीवी चैनल में इस तरह की बातें बोल करके आप राजनीतिक स्कोर करना चाहते हैं, जो आप कर रहे हैं आप। और ये बात जो है, जो आंदोलन की बात जो है, वो जो अनिल विज जी ने जो कही, वो तो स्पॉन्सर्ड बाय हुड्डा परिवार था, वो सबको मालूम है। और जब अभी विनेश फोगाट जीतने के बाद में जो उनको गाड़ी में बैठा के ले गए, वो भी हम सब ने देखा। नहीं, लेकिन इस पर इस तरह से आरोप लगा देना कि जो पूरा का पूरा आंदोलन है वो एक खास परिवार और हुड्डा परिवार की तरफ से था, वो इसमें इसके पीछे था, ये अपने आप में एक इस पर कई सवाल खड़े होते हैं आपकी तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं। इस बीच शंभुनाथ शुक्ला सर हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। शंभुनाथ सर, हमने देखा कि कल बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की मुलाकात राहुल गांधी से हुई और इसके पहले विनेश फोगाट शंभू बॉर्डर पहुंची थी, और इन सब मुलाकातों और इन सब कुछ देखते हुए बीजेपी की तरफ से यह बयान आना कि जो आंदोलन भी था वो सब कुछ राजनीति से प्रेरित था, सब कुछ राजनीति के लिए किया गया, और ये जो खिलाड़ी है वो राजनीति के चक्र में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं, आपका टेक क्या होगा? देखिए करुणा, अगर जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह बोल रहे थे कि दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, ऐसा लग रहा था कि विनेश फोगाट ने जो आरोप लगाए थे उसको वो बाकायदा स्वीकार करके इस तरह बोल रहे हैं कि मैं कतई किसी तरह के आरोप का मैं खंडन नहीं करता और ना डरता हूँ, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। ये बड़ा खराब शब्दावली थी। अब अगर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया मिले हैं राहुल गांधी से, तो उनको दिखाई पड़ रहा है कि शायद उन्हें टिकट ही मिलेगा, हो सकता है टिकट मिले और चुनाव लड़े भी। लेकिन हरियाणा की एक पहचान है कि एक खेलों के जिस तरह से पदक मिले हैं, एक खेल उसकी पहचान बन गई है, तो पहलवान जितने हैं, जितने खिलाड़ी हैं, वो हरियाणा के आन बान शान को भी कहीं ना कहीं परिलक्षित करते हैं। तो इसका लाभ जो है अगर कांग्रेस लेना चाहेगी तो ले भी सकती है, और वो टिकट चुनाव लड़ना चाहेंगे तो लड़ेंगे भी, इसमें कोई शक नहीं। बीजेपी की दिक्कत है कि बीजेपी 10 साल से वहाँ राज कर रही है, ऐन मौके पर उसके भीतर ही अब इतने शत्रु पैदा हो गए हैं कि चुनाव के कुछ दिन पहले, यानी कुछ महीने पहले, अचानक मुख्यमंत्री बदले गए, नए मुख्यमंत्री आ गए, ओबीसी मुख्यमंत्री रखे गए, उसके बाद ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। तो जिस भावनाओं, जिन उभार, जिन लहरों के तहत बीजेपी वहाँ आई, वही अब उसके खिलाफ होते जा रहे हैं। तो हरियाणा में बीजेपी एक तरह से कहना चाहिए पिछड़ रही है। अभी कुछ दिन पहले एक घटना जब 23 अगस्त को हुई थी, वो जिस लड़का मारा गया था कि कुछ गौ हत्यारों ने उसे पकड़ लिया, अजीब सी घटना थी, उसके 15 दिन बाद उसका खुलासा होता है। तो इसका मतलब पुलिस प्रशासन सरकार वहाँ चुप साधे बैठी हुई है। इस तरह की हरकतों में, मॉब लिंचिंग में, कुछ भी जो लिंचिंग हो रही है इस पर कुछ नहीं बोलती है। इसके पहले भी हरियाणा बदनाम रहा है। तो हरियाणा में पिछले 10 सालों में ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी वहाँ रिपीट करे, यानी तिबारा आ जाए? तो बहुत सारी चीज़ें हैं बीजेपी, और मजे की बात बीजेपी वहाँ अपने अंदर के शत्रुओं से लड़ रही है, और जो खबरें आ रही हैं उनमें कांग्रेस भी अपने अंदर के शत्रुओं से लड़ रही है। तो दोनों पार्टियों में जबरदस्त गुटबाजी है। अब ये है कि भाई क्या होता है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन गुटबाजी चरम पे है। और प्रवक्ताओं को, सारे लोगों को इस पर सोचना चाहिए कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस में गुटबाजी क्यों है। तीसरी तो कोई पार्टी है नहीं, वहाँ कोई क्षेत्रीय दल नहीं है, दुष्यंत चौटाला की पार्टी का कोई मतलब नहीं है, कोई खास एक आध सीटें मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन असली जो लड़ाई होगी वो बीजेपी और कांग्रेस में ही है। बिल्कुल, और दोनों पार्टियां अपने अपने शत्रुओं से ही भिड़ रही हैं। तो ऐसे में कुछ भी नहीं कास्ता। और विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया अगर वो कल राहुल गांधी से मिले तो ये संकेत तो जाता ही है, हर आदमी यही सोचेगा कि राहुल गांधी से मिलने के कई निहितार्थ होंगे। एक तो ये कि हो सकता है वो खुद चुनाव लड़ें, दूसरा ये कि चुनाव में वो इनका प्रचार करें और राहुल गांधी का एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके प्रति बना रहे। दोनों स्थितियों में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल की बात